दोस्तों पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, और हर कोई चाहता है कि उसका खुद का जो है बिजनेस हो। और बिजनेस अगर आपका जो जितना आपका एक्सपेंस है और उसमें अगर प्रॉफिट जो है ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ऐसे बिजनेस का क्या कहना। सो दोस्तों ऐसे बिजनेस को करने के लिए हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई जो है उसको ऐसा बिजनेस मिले जो जिसके जरिए जिसमें उसको मेहनत कम और खर्चा कम करना पड़े और जो है उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करने वाले कि ऐसा कौन सा एक बिजनेस आइडिया है जिसपे आप कम इन्वेस्टमेंट करके जो है ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो है आप कमा सकते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर आप 2000 से लेके 4000 के बीच में आपकी पर डे की इनकम कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों ना भूले, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही खास चीज। क्योंकि आप लोगों ने जो है थंबनेल या फिर टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इस बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा क्या करना है, किस तरह से हम जो है इसमें अलग एक यूनिक फीचर डाल सकते हैं, तो वो चीज जो है मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। मैं हूँ मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिजनेस आइडिया। सो दोस्तों पैसा कमाना और हर कोई चाहता है कि उसका खुद का बिजनेस और कम इन्वेस्टमेंट में जो है ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो। सो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शुगर कैन बिजनेस की। जैसे कि अभी आगे जब आपको सबको पता ही है कि गर्मियां हो चुकी हैं स्टार्ट, और जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है वैसे हमें जगह जगह पे जो है ठेले लगे मिलते हैं, और या फिर कुछ दुकानों पे जो है गन्ने का रस जो है बेचने वाले बहुत सारे मिलते हैं, और उनके पास जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी रहती है, क्योंकि गर्मियों में जो है हमें इस तरह के जो जूस हैं वो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, जो हमें एक ठंडक भी पहुंचाते हैं, और गन्ने का जो रस है वो आपके लिए एक नेचुरल जो विटामिन्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम जो है ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और किस तरह से जो है हम इसमें 2000 से लेके 4000 के बीच में पर डे की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। सो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शॉप हो, आपके पास कोई जगह हो ऐसी फिक्स। सो दोस्तों आपको करना क्या है, आप ये बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ठेला लेकर भी स्टार्ट करा जा सकता है ये बिजनेस। और यहाँ पे आपको आपका अगर ठेला है या फिर आप कोई दुकान लेके अगर चलाने वाले हैं, तो ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे लोगों का कुछ आना जाना लगा रहे, और साथ ही साथ तो जो है वहाँ पे पेड़ की छाया हो, तब क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है पेड़ की छाया के अंदर बैठने का जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। सो ऐसे में अब वो वहाँ पे आके जो कस्टमर्स हैं आपके ऑटोमेटिकली आके वहाँ पे बैठेंगे, तो डेफिनेटली उनका जो दिल करेगा कि वो एक बार रस भी पी ले। और ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं होगा जो कि गन्ने की दुकान के पास जो रुकता है और वो गन्ने का रस पीता नहीं है। सो दोस्तों वैसे तो जो है गन्ने का रस बहुत सारी जगह पे बहुत आसानी से पूरे इंडिया के अंदर मिल जाता है, और लेकिन यहाँ पे खास क्या है। खास दोस्तों ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ सीजनल बिजनेस नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस को 12 महीने चलाना तो आप 12 महीने चला सकते हैं। तो उस 12 महीने इसमें कैसे चलाया जा सकता है वो मैं अभी आगे बताता हूं आपको, लेकिन अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमें करना क्या है। सो दोस्तों सबसे पहले जो है हर दुकान के पास हर ठेले वाले के पास जो है हम चीज़ देखते हैं कि वहाँ इतना हाइजीनिक नहीं होता है, जैसा भी है वो गंदा वंदा चलता रहता है। तो आपको सबसे पहले अपने बिजनेस में इसमें क्या ध्यान देना है कि हाइजीन, क्योंकि आज की डेट में जो है लोग ज़्यादातर हाइजीन के ऊपर जो ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो आपको अपने चाहे वो आपका ठेला हो तो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपकी हाइजीन की तरफ सबसे पहले अट्रैक्ट हों और उसके बाद आपके बिजनेस की तरफ। सो दूसरी चीज़ जो है हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है, यानी कि 6000 से जो है इसकी मशीनें अवेलेबल हैं। मशीनों की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लोकल मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, जो कि 4-5 हज़ार तक या 6000 तक। इसमें मशीनें भी जो हैं रस निकालने वाली बहुत अलग अलग तरह की हैं, कुछ हैं मैनुअल चलाने वाली हैं, कुछ सेमी ऑटोमेटेड हैं,
ये कुछ या फिर बैटरी ऑपरेटेड भी आ गई हैं, और कुछ जो हैं अभी, और बहुत ज़्यादा अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक मशीनें भी ज़रूरत पड़ती है। सो दोस्तों चलिए, इन मशीनों को कहाँ से कैसे खरीदा जा सकता है, ऑटोमेटिक वगैरह मशीनों को, या फिर दूसरी सेमी ऑटोमेटेड या फिर मैनुअल मशीनें कहाँ से आप आसानी से खरीद सकते हैं, और उसमें क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, वो जानने के लिए चलिए हम चलते हैं इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे। सो दोस्तों ये आ गए हम इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने ऊपर में सर्च किया है शुगर केन जूस मशीन। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी और मशीनें अवेलेबल हैं। कोई 97,000 की है, कोई 1 लाख के ऊपर की है, कुछ में अभी प्राइस आपको बता नहीं रहे हैं। तो आप वहाँ पे जो है डायरेक्टली सप्लायर्स को कांटेक्ट करके जो है आप वो रेट पूछ सकते हैं। जैसे कि ये मशीन है, ये 10,000 रुपये की है, तो ये 1.5 लाख रुपये की मशीन है। तो दोस्तों इस तरह की अलग अलग मशीनें अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी वैरायटी की है, अलग अलग मशीनें हैं, जैसे ये अलग अलग मशीनें चलती हैं। तो ये अगर आप दुकान ले वगैरह लेके सेट कर रहे हैं तो आप इस तरह की मशीनें लगाकर सेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनें हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी, आप जब इस पेज पर लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीनें अवेलेबल हैं। जो भी मशीन आपको पसंद आती है तो वो आप जो है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट को जो है वेंडर को जो है सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए जो है आपको यहाँ पे कांटेक्ट सप्लायर लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक इस तरह का पेज मिलेगा। और आपको यहाँ पे जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, 3 स्टेप है इसके अंदर, आपको अपनी डिटेल भरते चलना है। और जो है पूरी डिटेल भरने के बाद सबमिट कर देंगे तो ये सप्लायर की तरफ से ही आपको जो है कॉल आ जाएगा। सो जो भी मशीन आप खरीदना चाहते हैं वो आप यहां से खरीद सकते हैं। सो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पे इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाके आप जो है मशीनें आपको जो भी चाहिए, जिस तरह की भी चाहिए है, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से जो भी मशीन चाहते हैं पहले तो वो खरीद लें, फिर आपको प्लेस डिसाइड करना है कि आपको जो है, जैसे मैंने गाइड किया है कि आपको ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे जो है पेड़ की छाया हो, क्योंकि, और इसके साथ में अब गन्ने का जो जूस है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा तरीका जो है आपके बिजनेस को एनहेंस करने का वो बताऊंगा। सबसे पहले तो आप उसके अंदर आइस मत डालिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो गन्ने का रस का जो पब्लिसिटी है वो माउथ पब्लिसिटी जो है, एक ऐसी पब्लिसिटी है जो आपको बहुत बड़ा आपका बिजनेस का टर्नओवर इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो फिर ऐसे में लोगों को ठंडा तो चाहिए होता है, ठंडा जो जूस होगा वही वो लेंगे। तो ऐसे में आपको मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप दुकान लेके चला रहे हैं तो आप डीप फ्रीजर वगैरह का इस्तेमाल करें गन्नों को ठंडा करने के लिए, और वहीं से जो गन्ने को निकाल के उसका जूस जो है निकालें, और निकाल के ठीक है, ऐसे में अगर आप बर्फ़ डाल के जो अगर वो 10 रुपये का बेच रहे तो आप अगर 15 का भी बेचोगे या तो भी लोग आपको कहीं पे भी मना नहीं करेंगे और आपको वो 15 रुपये भी आराम से देंगे। और जो उस गन्ने के आपका जो ऑलरेडी गन्ने ठंडे किए गए हैं उनका जो रस होगा, क्योंकि वो एकदम प्योर रस होने वाला है, तो वो रस पी के जो उनको उसमें टेस्ट आने वाला, जो फील आने वाली है, तो वो आपको जो है एक वाव फैक्टर की क्रिएट करती है, जो कि आपकी माउथ पब्लिसिटी, एक पूरा आपका मार्केटिंग जो है पूरा माउथ पब्लिसिटी से आपके कस्टमर ही आपकी कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये 12 महीने जो है आप इसको कैसे चला सकते हैं। तो गर्मियों में तो कोई बहुत आसान है कि आप इसको जो है इस एक गन्ने के रस बना के भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो वहाँ उसके अंदर जो है आपको अलग अलग फ्लेवर्स डालने बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि दुनिया जो है जितनी भी पब्लिक है वो जो है आपके अलग अलग फ्लेवर्स अगर आप वहाँ पे रखेंगे तो आपको ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, आपका बिजनेस जो है दुगना तिगना इंक्रीज होगा। सो, इसमें आप जो है अगर नॉर्मल अगर बात करूं तो नॉर्मल में आप जो है उसको लेमन फ्लेवर रख सकते हैं, एक तो नॉर्मल हो ही गया, दूसरा लेमन फ्लेवर रख सकते हैं, तीसरा मिंट फ्लेवर रख सकते हैं, चौथा जो है आप उसमें जिंजर फ्लेवर रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे जो है आपको फ्रूट क्रश आते हैं,
जो कि डिफरेंट डिफरेंट, चाहे उसमें आपको स्ट्रॉबेरी हो या फिर आपके पाइनएप्पल हो, आपका मैंगो हो, ऑरेंज हो, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स में जो है फ्रूट क्रश आते हैं, आप उसके साथ भी इसको जो है पूरा अलग अलग फ्लेवर बना के इसको जो है बेच सकते हो, जहाँ पे आप जो है यूजुअली 25-30 रुपये भी पर जो है ग्लास आप चार्ज करेंगे तो आपको लोग हंस के जो है 30-35 रुपये भी आपको देंगे। सो दोस्तों, स्टार्टिंग में आप जो है अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली जो आपका जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए जो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम रखिए, और जैसे ही आपका फ्लेवर वाला जो फंडा है वो लोगों की माउथ पब्लिसिटी से जो आगे फैलेगा, तो डेफिनेटली फिर आप उसको स्लोली ग्रेजुअली जो है प्राइस को इनक्रीज कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, और ऐसी ही एक, मैं ये कोई इसी तरह नहीं बोल रहा हूँ, इसमें आपको जो है बहुत सारे और भी फ्लेवर्स डाल सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर वगैरह, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें एक बार, तो वो आप अपनी तरफ से भी फ्लेवर उसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, रायपुर के अंदर जो है चार दोस्तों ने इसी तरह का बिजनेस सेट किया, और आज वो बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर के अंदर जो है बिजनेस रन कर पा रहे हैं, और एक सक्सेस बिजनेस की तरह से इसको रन कर रहे हैं, और वो काफ़ी फेमस होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ आप भी करेंगे तो आपका बिजनेस भी एनहेंस होगा। अब बात कर लेते हैं, गर्मी का सीज़न निकल गया, फिर लोग जो है एक ठंडे को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप जो है अलग अलग वैरायटी के अंदर, चाहे वो जैसे लेमन टी होती है, वैसे में आप जो है इस तरह के ठंडे और गर्म के अंदर जहाँ पे आप शुगर डालने वाले हैं, शुगर की जगह पे आप जो है प्योर गन्ने का रस का इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपके लिए अलग अलग फ्लेवर बन जाएगा, चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी हो, चाहे वो आपकी कोल्ड लेमन टी वगैरह हो, या फिर आपका कोई भी कॉफ़ी वगैरह हो, तो आप हॉट और चिल्ड दोनों के अंदर ही जो है इस तरह के पूरा, मैं इसके लिए फ्लेवर्स और क्या क्या डाल सकते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको गाइड कर पा रहा हूँ कि इस तरह के जो है बाकी जो गर्मी के सीज़न को छोड़ के बाकी सीजन्स के अंदर जो है इस तरह का आप पूरा एक मेन्यू बना के चला सकते हैं। तो कुछ रेसिपीज़ जो है मैं भी आपको बहुत ही जल्दी शेयर करूँगा, जिसको आप इस्तेमाल करके जो है अपना बिजनेस को और दुगना चौगुना कर सकते हैं। और ये बताऊं दोस्तों कि आपको ये बिजनेस जो है बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और बहुत ज़्यादा जो है आपको बड़े लेवल पे लेके चला जाएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बिजनेस आइडिया जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वापस एक और नए आइडिया के साथ कुछ डिफरेंट लेके। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।